नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर कानपुर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है। हैलेट परिसर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने घूमकर नारेबाजी की। जांच संबंधित सेवाएं भी ठप रही और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। हैलेट में सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी बढ़ाई गई है। हैलेट में ICU और इमरजेंसी सेवाएं चालू है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे रखी है और डॉक्टर आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तब आप लोग हड़ताल पे हैं, तब तक ये हड़ताल रहेगी और कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? देखिए, अभी तो ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करी गई है। मांगे हमारी बहुत सिंपल है। सबसे पहली जो मांग है वो हमारी है न्याय। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कलकत्ता के केस में, उसमें ऐसा है कि गैंग रेप की जो पुष्टि हुई है उसमें, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अगर गैंग रेप है तो बाकी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? आज करीब मेरे ख्याल से 10वां दिन है, 8 तारीख की घटना है, आज 18 तारीख है, 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया है। उसके बाद भी हज़ारों लोगों ने वहां हमला किया था RG अस्पताल पे, उनके आरोपी भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। 4-5 लोगों को गिरफ्तार करके बोला गया है कि हमने अपनी कार्रवाई कर दी है। उनको किसने लाया, कौन लाया, कुछ लोग कह रहे हैं उनको ट्रक में भर के लाया गया था, क्या उसकी पुष्टि हुई या नहीं हुई? ये तो हुई हमारी पहली मांग, जिसमें है न्याय। और ये मांग सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है, ये मांग पूरे समाज के लिए है। सिर्फ लेडी डॉक्टर ही नहीं होती है, लेडी बैंकर भी होती है, लेडी पुलिस भी होती है, लेडी आपके रेलवे स्टाफ भी होते हैं, और भी जगह है जहां लेडी रात रात में ड्यूटी करती हैं, उनकी भी सिक्योरिटी की बात है। ये इस बार डॉक्टर के साथ हुई है लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकती है, सिर्फ डॉक्टरों का विषय नहीं है। और दूसरा, हम लोग मांग कर रहे हैं किसी एक ऐसे नियम, कोई ऐसा कानून लाया जाए जो कि इतना सख्त हो जिससे कि जो कि सरकारी कर्मचारी जैसे कि डॉक्टर्स, रेलवे स्टाफ, ऐसे लोगों के लिए जब कोई जुल्म हो, जब बाहर पब्लिक उन पे कोई जुल्म करे तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मेरे पे कोई हमला कर दे तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, अगर या फिर मेरे जो कंसल्टेंट है उन पे कुछ हो जाए तो वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो नौकरी पे हैं। ऐसा होना चाहिए कि जब कोई ऐसे इस तरह का हमला हो तो नियम होना चाहिए कि कॉलेज प्रशासन FIR दर्ज कराए, ना कि वो इंडिविजुअल व्यक्ति अपना वो करे। ये सब चीज़ें हैं, यही हमारी मांगे हैं।